हाय, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर हनी उमैल और आज हम बात करने वाले हैं मैगी के बारे में। और ये क्या मेरे लंच बॉक्स में मैगी कहाँ 15 रुपए का आता था, आज 50 का हो गया है। कुछ लोग मैगी को सिर्फ मसाले के लिए खाते हैं, जैसे कि मैं मैगी से ज़्यादा मसाले पे तरजीह देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए कि मैगी से ज़्यादा मज़े का उसका मसाला होता है। चटपटा फ्लेवर की मैं बात कर रहा हूँ, चिकन फ्लेवर का मुझे नहीं मालूम। और कुछ लोग सूप बनाकर तो कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसी, और कुछ तो उसे भी सॉसेस के साथ खाते हैं, फिर चाहे सॉस कोई सा भी हो। मुझे याद है जब घर में पसंद का खाना नहीं बनता था और उस टाइम मैगी 15 रुपए का होता था, तो बस क्या था, 15 रुपए लिए कहीं से और मैगी लाया और मैगी बना के खा गए। और उसे बनाना इतना आसान, पता ही नहीं चला कब मैगी एक स्नैक से एक इमोशन बन गया। लेकिन वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होती गई, कोई मैगी में सब्जी मिलाता था तो कोई मैगी को पूरा पास्ता ही बना लेता। मुझे आज भी याद है जब मैगी लंच बॉक्स में बिल्कुल जम जाते थे स्कूल में, लेकिन सारे दोस्त मिलकर ऐसे खाते थे जैसे कोई अनोखी चीज हो। कुछ लोग तो मसाले के इतने शौकीन होते हैं कि वो मैगी को फेंक कर सिर्फ मसाला खाते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले मैंने मैगी का एक पैकेट लेकर 50 रुपए खर्च करके मैंने मैगी का एक पैकेट लिया और मैंने मैगी उसको दे दिया और मसाला खुद रख लिया। मैगी उस टाइम पे पूरा एक खाना हुआ करती थी जो कि अब पता भी नहीं चलती। मैगी उस टाइम 15 रुपए में इतना सारे आते थे जो कि अब सिर्फ 50 रुपए में भी क्वांटिटी कम हो गई है। मैगी 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 इतनी चीज़ों में, फिर मैगी में कभी हमने स्पैगेटी बना लिए है तो कभी हमने मैगी में क्या डाल दिया जो ऐसा पता नहीं समझ में नहीं आता। कभी को मैगी को कोई मूवी देखते हुए खा लिया तो कभी मैगी को कोल्ड ड्रिंक के साथ खाया। यार मैगी एक ऐसी चीज़ है, बचपन से लेके आज तक भी हम सब की फेवरेट चीज़ रह चुकी है मैगी। इनफैक्ट हमें से बहुत सारे लोगों की पहली बनाई हुई डिश मैगी थी। अब जब मैगी की या खाने पीने की बात हो ही रही है, आपको मैं बताता चलूँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फूड हंटर्स ऑफिशियल। अब फूड हंटर्स ऑफिशियल एक ऐसा पाकिस्तान का ब्रांड कह लें या एक यूट्यूब चैनल कह लें या एक सोशल मीडिया फ्रेंचाइज कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन जो भी कहें, इनके व्लॉग्स और फूड व्लॉग्स स्पेशली इतने ज़बरदस्त होते हैं कि मैं आज मैगी की कहानी जो बता रहा हूँ मुझे आइडिया भी यहीं से मिला था। ज़रूर जाएं चेक करें, सपोर्ट करें इनके फूड व्लॉग्स, सिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। You must check out the link is in description। ये थी मैगी की छोटी सी कहानी। इसके अलावा यार आज हमने कोलैब करा है शर्जील सुमरो के साथ, तो और स्पेशल थैंक्स टू शर्जील सुमरो जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुई है, और उनके चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गो एंड चेक आउट हिज चैनल। मैं कह रहा था हर चैनल। गो एंड चेक आउट हिज चैनल। और यार अगर तुम लोगों को फूड के हिसाब से भी कंटेंट देखना है, जैसे कि फूड व्लॉगिंग वगैरह या फूड के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि ये मैंने खाली ना एक रैंडम स्टार्ट कर दी थी, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं ये करूँ। मैं जस्ट एक मैगी बनाया था, मेरे जहन में आइडिया आया और मैंने कहा यार तुमने मैगी पर ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी यार, तो मैंने सच चेक करा। तो यार बाकी तुम लोग अगर ये चीज़ें देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार बस समझ जाओ यार इंग्लैंड टीम से मिलकर आया आपका भाई, नॉट कमिंग स्लो। तो यार थैंक यू सो मच, और आज के लिए बस इतना। अल्लाह हाफिज़।